हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश डैश इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेज़ॉन दैट प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो अमेज़ॉन के द्वारा जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए। तो वो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कौन सी सर्विस है आपकी? AWS। AWS की फुल फॉर्म होती है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो सबसे पहले तो बात आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ ऑन डिमांड एक्सेस वाई द इंटरनेट टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एप्लीकेशन, सर्वर्स, डेटा स्टोरेज, डेवलपमेंट टूल, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी एंड मोर, होस्टेड एट अ रिमोट डेटा सेंटर मैनेज्ड बाई ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो अमेज़ॉन एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, CSP जिसे हम कह सकते हैं, और इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो देता है, वेब सर्विसेज जो अमेज़ॉन प्रोवाइड करवाता है, उसका नाम है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज का यूज़, या आपको अगर स्टोरेज के लिए डेटा चाहिए, माफ़ कीजिए, डेटा के लिए स्टोरेज चाहिए, तो वो आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा अलग अलग डिफरेंट तरह के टूल्स और ऐसी बहुत सी सर्विसेज, तो उनको आप कुछ अमाउंट जो है पे करके ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं उन सर्विसेज को। और आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, जिसमें लिखा है देखो, लो IT कॉस्ट, इम्प्रूव एजिलिटी एंड टाइम टू वैल्यू, स्केल मोर इजीली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और ये देख सकते हैं आप, अमेज़ॉन जो हमको AWS वेब सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये क्या क्या ऑफर करता है ये देख सकते हैं आप। एक्सप्लोर टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो कंप्यूटर डेटाबेस स्टोरेज भी प्रोवाइड करवाता है, वेब एंड मोबाइल ऐप सर्विस, सर्वरलेस, इसके अलावा मशीन लर्निंग। तो आप देख सकते हैं इनके प्राइजेज भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे 12 मंथ फ्री है और अमेज़ॉन EC2 सर्विसेज है, इसके साथ 750 पर आवर पर मंथ। तो ये देख सकते हैं आप, जो जो भी AWS अमेज़ॉन वेब सर्वर की सर्विसेज हैं। और ये देख सकते हैं आप कौन कौन से हमको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं। अमेज़ॉन तो हमको पता चली गया, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो अमेज़ॉन की तरफ से है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोवाइड करवाता है वेब सर्विसेज, उसका नाम एज्यूर है, AZURE। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है JIT एग्ज़ाम में इससे पहले। गूगल की तरफ से गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, अलीबाबा क्लाउड अलीबाबा की तरफ से, ओरेकल क्लाउड, IBM क्लाउड की तरफ से जो मतलब प्रोवाइड करवाती है, उसका नाम है KYNDRYL। देख सकते हैं आप इसकी स्पेलिंग, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन पेपर में किसी और कंपनी का पूछ लिया जाए, जैसे इस बार अमेज़ॉन का पूछा था, तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं आपका कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कौन सा आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो कंपनी का नाम एज्यूर लिखा होगा वहाँ पे। नीचे तक देख सकते हैं ये टॉप 10 है जो कि ये सर्विस फिलहाल प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश डैश इज़ अ रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन किए जाते हैं CPU द्वारा, उनके जो रिजल्ट होते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कौन से रजिस्टर पे, तो उसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर इसके लिए राइट आंसर होगा, 29th का। डेफिनेशन देख सकते हैं आप अकोमुलेटर की, एन अकोमुलेटर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक डेटा इन कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इसके अलावा क्वेश्चन में और ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये भी एक रजिस्टर होता है कंप्यूटर प्रोसेसर में, और ये क्या करता है, एड्रेस जो लोकेशन होती है इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उनको होल्ड करता है। मतलब जो प्रेजेंटली हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होंगी उनकी जो लोकेशन है उसको होल्ड करने का काम होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का। इसके अलावा ऑप्शन में आपसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में पूछा है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज द CPU रजिस्टर दैट आइदर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम विच द डाटा विल बी फेच्ड एंड टू द रजिस्टर और द एड्रेस टू विच डेटा विल बी सेंड। मतलब
ये रजिस्टर स्टोर करता है उस मेमोरी का एड्रेस, उस मेमोरी का एड्रेस ये रजिस्टर स्टोर करेगा जहाँ से इन डाटा जो है फेच किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा, या उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा जहाँ डाटा भेजा जाएगा, मतलब जहाँ से डाटा लिया जाएगा वो क्या एड्रेस है, और जहाँ डाटा भेजा जाएगा वो क्या एड्रेस होगा, वो चीज़ जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है वो इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से आप कम ही जानते होंगे इसको, लेकिन जो आपने पढ़ा होगा प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर जो कि ऑप्शन ए है, तो प्रोग्राम काउंटर को ही हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है इन डैश डैश सीपीयू एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड है? तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा, इन इमीडिएट सीपीयू एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड्स इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ इटसेल्फ। इसको हम इमीडिएट सीपीयू एड्रेसिंग, या जनरली हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है जो कि डायरेक्टली क्या करता है, डाटा को एक्ट करवाता है एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दैट डायरेक्टली इंक्लूड्स द डेटा टू बी एक्टिड एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, 31 में पूछा गया है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। तो आप जानते होंगे सेकेंडरी प्राइमरी में आप आ जाते हैं आपके रैम रोम कैश मेमोरी जो कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं सारी, जबकि पेन ड्राइव जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं 32। चलो एक बार देख लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज में कौन सी आती हैं। तो चार तरह की हैं, रोम रैम जो कि ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा फ्लैश मेमोरी और कैश भी आपको ऑप्शन में दिए गए। तो जनरली आप ये चार याद रखेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज में, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज देख सकते हैं आप सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम SSDs भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क है HDDs, क्लाउड स्टोरेज भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है, CD रोम्स जो आपकी CD हैं DVD हैं, इसके अलावा ब्लू रे ड्राइव्स USB फ्लैश ड्राइव्स SD कार्ड फ्लॉपी डिस्केटे टेप टेप ड्राइव, ये सारी आपकी जो क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। तो कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। तो हाईएस्ट स्पीड और मिनिमम लेटेंसी है सीपीयू रजिस्टर की, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन में रजिस्टर दिया हुआ है तो आप रजिस्टर को टिक करें, क्योंकि मेन मेमोरी में जब हम बात करते हैं उसमें रजिस्टर नहीं आते हैं। लेकिन जब भी आपके पास, अगर आपके पास रजिस्टर नाम नहीं दिया गया है तो उसमें और जो भी मेमोरीज के नाम हो गए ऑप्शन में, उसमें आप कैश मेमोरी को जो है सही टिक करेंगे, जैसे जैसे इसमें ऑप्शन सी है। अगर आपके पास सीपीयू रजिस्टर या रजिस्टर का नाम दिया गया है, सिर्फ रजिस्टर ही लिखा है, तब भी आप रजिस्टर को जो है टिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड जो होती है वो सीपीयू रजिस्टर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। अच्छा, हायरार्की देख लेते हैं, सबसे फास्ट आपके रजिस्टर होंगे, उसके बाद आपकी कैश मेमोरी आएगी, उसके बाद आपकी प्राइमरी आएगी, देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड के बेसिस पे आपको मैं ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा कि कैश मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो किस प्रिंसिपल पर काम करती है आपकी कैश मेमोरी? तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस टू अ फिनोमिनन इन विच, ऐसा फिनोमिना है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम टेंड्स टू एक्सेस सेम सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसी टेंडेंसी पे काम करता है जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन का जो है एक्सेस किया जाता है जिनका जो एड्रेस है नियर बाई हो, मतलब एक दूसरे के नज़दीक हो, तो इसे कम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस इंस्ट्रक्शन हुज एड्रेस आर नियर टू वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक, और दूसरी पॉलिसी का नाम है राइट थ्रू। तो कैश मेमोरी मेमोरी की दो राइट पॉलिसीज हैं जिनके नाम है राइट बैक और राइट थ्रू। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये क्या है राइट बैक और राइट थ्रू? जब राइट थ्रू की बात करते हैं, राइट थ्रू मीन्स राइट गो टू मेन मेमोरी और उसके बाद कैश में,
जबकि राइट बैक का मतलब है सीपीयू राइट्स ओनली टू कैश, कैश राइट्स टू मेन मेमोरी लेटर। मतलब राइट थ्रू में क्या होता है, जो राइट है वो सीधा जो आपके मेन मेमोरी में जाता है देन कैश में जाता है, जबकि राइट बैक में सीपीयू राइट टू राइट ओनली टू कैश। तो राइट बैक में सीपीयू जो है कैश को राइट करता है और उसके बाद जो है कैश मेन मेमोरी को राइट करती है बाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम्स पी रोम्स एंड ई पी रोम्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉल्ड। तो फर्म वेयर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो आपके प्रोग्राम स्टोर होते हैं रोम में या प्रोग्रामेबल रोम में, पी रोम का मतलब यहाँ प्रोग्रामेबल रोम है और ई पी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो सिस्टम प्रोग्राम में स्टोर होते हैं रोम पी रोम और ई पी रोम में, इनको क्या कहते हैं, इनको हम फर्म वेयर कहते हैं। फर्म वेयर जैसे कि आपका सिस्टम है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो कुछ टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे होते जहां पे हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो वो कैसे चीज़ पता चलती है, तो आपकी जो है रोम ई पी रोम और पी रोम में वो स्टोर्ड होते हैं, वो जो फॉर्म से ही जहाँ से सिस्टम बना होगा, मशीन बनी होगी वहीं से आया होगा स्टोर होके, तो उसे हम फॉर्म वेयर कहते हैं। तो 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। 36 देख लेते हैं, द कीज द डेस्टेस कीज ऑन क्वेरिटी कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम टू हेल्प पोजिशन द फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उन्हें क्वेरिटी कीबोर्ड बोलते हैं। तो इसमें से कौन सी जो कीज़ हैं कीबोर्ड पे जिन पे आपको छोटे स्मॉल बम्प्स देखने को मिलेंगे, जिससे जो आप बिना कीबोर्ड को देखे वो भी फील करके भी बता सकें कि यहाँ से ये आपकी राइट पोजीशन है फिंगर की टाइपिंग के लिए या काम करने के लिए। तो एफ एंड जेड को आप देखेंगे कीबोर्ड पे कभी भी तो उन पे स्मॉल बम्प्स बने होंगे। तो जो आपकी दोनों हाथ की फर्स्ट फिंगर हैं, आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी फर्स्ट फिंगर एफ पे होती है और दूसरे हाथ की फर्स्ट फिंगर आपकी जे पे होती है, ऐसे आप टाइपिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए 36 का राइट आंसर है। 37 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है रेड टेक्नोलॉजी कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव टू अचीव स्पीड एंड रिडंडेंसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेड। तो रेड की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है जेईई एग्जाम में, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म होगी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसके अलावा रेड का एक्रोनिम्स यहाँ पे दिया गया है रिडंडेंट अरे ऑफ इन एक्सपेंसिव डिस्क भी बोल सकते हैं, अगर कुछ भी आएगा तो याद रखेंगे आप इंडिपेंडेंट या इन एक्सपेंसिव दोनों पे आप राइट टिक करेंगे, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। व्हेन इंटरप्रेटेड लिटरली इट मीन्स, इसका मतलब रेड का मतलब क्या होता है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अक्रॉस अरे ऑफ रिलेटिव लो कॉस्ट हार्ड डिस्क, मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है उनको एक अरे के रूप में यूज़ किया जाएगा। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड अ टेक्नोलॉजी दैट कम्बाइंस नंबर ऑफ सच इन एक्सपेंसिव एच डी डीज टू अ सिंगल एच डी डी। एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैव द हाइएस्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस दी गई हैं ऑप्टिकल, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी होती है वो ब्लू रे डिस्क की होती है, और इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम सीडी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क आर सीडीआर और डिजिटल वीडियो डिस्क, तो इन चार में से जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है स्टोरेज की। और जो आपकी ब्लू रे डिस्क है वो आपकी लगभग 25 GB से 50 GB तक की कैपेसिटी में आती है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन अ पेज। तो कौन सा कंपोनेंट है वो लेज़र प्रिंटर का, फ्यूज़र। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। तो आपका जो फ्यूज़र यूनिट है वो जनरली दो रोलर से बना होता है, इसमें एक रोलर का काम होता है हीट को अप्लाई करना, जबकि दूसरे का काम होता है प्रेशर अप्लाई करना। द फ्यूज़र यूनिट इज़ यूज टू परमानेंटली बॉन्ड टोनर टू अ सबस्ट्रेट बाई अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी।
इसमें से फ्लैश मेमोरी कौन स्टोरेज मीडिया यूज़ करता है? तो SSD सॉलिड स्टेट डिस्क जो होती हैं आपकी फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हैं, और आपकी फ्लैश मेमोरी जो है सॉलिड SSDs जो हैं वो कम आपकी एनर्जी यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू HDD। फ्लैश मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी दैट क्लियर्स एंड राइट डाटा इन चंक्स फॉर फास्ट एनर्जी एफिशिएंट एक्सेस एंड रीराइटिंग। और फ्लैश और HDD आपको पता है दोनों ही नॉन वोलेटाइल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ, ये सभी जानते होंगे आप, CPU का फंडामेंटल पार्ट है ALU। ये आर्किटेक्चर तो आपने देखा होगा कंप्यूटर का, इसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, बीच में CPU, और CPU में आपकी MU और CU यानी कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो बायोस सेटिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन। तो आप ये कर सकते हैं बायोस की सेटिंग में जाके। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूज मल्टीपल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू ट्रांसफ़र मोर डेटा एट द सेम टाइम। तो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके जो मल्टीपल ट्रांसमीटर और सर्विसेज रिसीवर माफ़ कीजिए ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज़ करके एक ही समय में बहुत सा डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो MIMO इसकी फुल फॉर्म होगी, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है डाटा एक टाइम पे अधिक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। MIMO जो है एक एंटीना टेक्नोलॉजी आपकी फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें हम मल्टीपल एंटीना यूज़ करते हैं दोनों साइड, जहाँ से आपको कुछ ट्रांसमिट करना हो डाटा वहाँ पे भी, और जहाँ पे रिसीव करना हो वहाँ पे भी। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो आपको पता है आपको तीन चार क्वेश्चन तो OSI से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो OSI मॉडल पहले भी जहाँ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं OSI से वहाँ हमने डिस्कस किया है। तो एक बार फिर देख लेते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल में सात लेयर्स होती हैं आप जानते हैं, और फर्स्ट लेयर होती है इसकी फिजिकल लेयर, नीचे से देखेंगे हम। इसके अलावा इसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इसके साथ में देखिए अब साइड में फिजिकल लेयर में फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, कोएक्स फाइबर, वायरलेस हब्स, रिपीटर, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। कई बार जो है थोड़ा सा अगर हार्ड लेवल हो एग्ज़ाम का तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है छोटा सा, मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो पहले तो आप नाम याद रखेंगे, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर आती है। तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच आपकी देख सकते हैं आप डेटा लिंक लेयर, जिसमें फ्रेम्स, ईथरनेट, PPP, स्विचेस और ब्रिजेस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए डेटा लिंक लेयर 44 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट भी OSI मॉडल से पूछा है, विच लेयर इन OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर नेटवर्क। तो पैकेट्स जो है किस लेयर पे आपके रूट किए जाते हैं, तो देख देख लेते हैं। पैकेट्स आएंगे आपकी नेटवर्क लेयर जो कि नीचे से थर्ड लेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं पैकेट्स IP, ICMP, IPSEC और IGMP। तो ये चीज़ें भी आपको एक बार ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कलेक्टिवली, माफ कीजिए, कोलेबोरेटली एडिटेड बाई द मेम्बर्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटी इज कॉल्ड विकी, WIKI। तो विकी क्या होता है, एक वेब बेस्ड
कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, विकी एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एनेबल करता है यूज़र को टू स्टोर, क्रिएट और मॉडिफाई कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है कंटेंट को स्टोर करना, क्रिएट करना और मॉडिफाई करने का एक प्लेटफॉर्म है विकी आपका। दूसरे शब्दों में विकी क्या एक वेबसाइट है जिसमें जो साइट विजिटर हैं, जैसे मैं हूँ, अगर मैं साइट विजिटर हूँ विकी पे, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, ऐड करूँगा या एडिट कर दूँगा वहाँ पे जो भी कंटेंट होगा उसको। जनरली साइट विजिटर यूज़ देयर ब्राउज़र, अपने ब्राउज़र की हेल्प से टू एडिट टेक्स्ट विदाउट रिक्वायरिंग HTML कोड। जबकि मेरे को HTML कोड चाहे नहीं भी, कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती होगी, तब भी मैं कर सकता हूँ। एडिशनली इसके अलावा कुछ विकीज़ जो होते हैं वो अलाउ करते हैं एडिटिंग ऑफ ग्राफिक्स, जिसमें आप ग्राफिक्स भी एडिट कर सकते हैं टेबल्स और इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं 47, इसमें पूछा गया था फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर अनलाइसेंस यूजर इज कॉल्ड ISM। ऑप्शन बी 47 का राइट आंसर होगा। ISM की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल, और ये पार्ट है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है जनरल यूज़ के लिए रिजर्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश मोड। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा, प्रोमिस्कस। तो ये क्या होता है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग जो प्रोमिस्कस मोड है, ये मोड वायर्ड और वायरलेस दोनों इंटरफेस के लिए होता है, और ये क्या करता है, पास कर देता है सारा ट्रैफिक जो इसके पास आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। एक तरह से ये सबको अलाउ कर देता है, जो भी इसके पास ट्रैफिक आता है उस सबको ये पास करता है। तो सी ऑप्शन जो होगा 48 के लिए राइट आंसर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।